अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहीद भाई, क्या हाल है? खैर है, ठीक है, तबीयत ठीक है? ठीक ठाक भाई, रमजान भी आ रहा है यार। हाँ कारी साहब, इस बार तो रमजान भी आ गया है, गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या करे बंदा। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोजे तो रखने ही होते हैं। हाँ रोजे तो रखने ही है, लेकिन कारी साहब मुझे कॉल आ गया घर से, फिर बाद में। चलो ठीक है भाई, चले जाओ। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। जावेद अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत है? ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा अजीम बेटा, मुझे ये बताए कि इस दफा रमजान कौन सी तारीख को आ रहे? तकरीबन ये 7-6-7 मई को है। अच्छा अच्छा, हाँ यार इस दफा गर्म भी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। ये बात तो है यार, बस क्या करे, अल्लाह खैर करे। करो चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके खुदा हाफिज़। मेरा सलाम देना। रमजान भी करीब आ गया है, लूडो खेलेंगे या क्रिकेट खेलेंगे या कौन सा चीज खेलेंगे? हम शहरी के बाद लूडो नहीं खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। यार लोग आजकल रोजे से तंग हो रहे हैं, इन्हें जाके मैं इन नौजवानों को मैं बता देता हूँ रोजे की फजीलत। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, जब रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे जो है ना वो बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन जो है, शैतान जो होते हैं, इनको कैद कर दिया जाता है। अल्लाह ताला इस महीने मुबारक की बरकत से बेहिसाब आदमियों को दोज़ख़ से खुलासी का निजात देता है। इस माह में एक रात ऐसी है जो हजार महीनों से बेहतर है। इस महीने को सब्र व गम ख्वारी का महीना करार दिया गया है। मेरे भाइयों, इस महीने में अल्लाह ताला मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। भाइयों, ये कोई क्रिकेट फुटबॉल का महीना नहीं है, ये आने वाला महीना रमज़ान जो है ना ये बहुत ख़ास अहमियत रखता है। इसमें मेरे भाइयों जिक्र किया करो, अल्लाह ताला की इबादत किया करो। रमजान आया भी नहीं है मेरे भाइयों, आप पहले से क्रिकेट फुटबॉल लूडो की बातें कर रहे हो, पूरा साल है फिर खेलते रहो, लेकिन इस महीने में कम से कम 5 वक्त की नमाज अदा किया करो, रोजे रखा करो। मेरे भाइयों अजान हो रही है, बस नमाज के लिए चले जाते
रमजान का महीना रहमत का है खजीना।